प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, परमेश्वर आप सबको बरकत दे। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है पृथ्वी के शोर शोर तक मेरा सुसमाचार फैले, परमेश्वर के दास को छत्तीसगढ़ में कुछ परमेश्वर के सेवकों ने, पास्टर्स ने बुलाया एक बड़ी मीटिंग के लिए। आप जानते हो कि उस एरिया में परमेश्वर का बहुत सारा प्रोसिक्यूशन चल रहा है, सताव चल रहा है। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि कैसे कैसे चर्च तोड़े जा रहे हैं, कैसे आदिवासी जो प्रभु में चलते उन पर कैसा उपद्रव किया जा रहा है, कैसे कैसे उन पर हालात आए। लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, हमारी मिनिस्ट्री, खुदा के दास, उन्होंने कहा कि हमारी ये मीटिंग को हम करेंगे। लेकिन सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। पहले हमारे 65 लोग वहाँ जाने वाले थे, उसकी परमिशन ना देने पर फिर उन्होंने 20 लोगों को कहा। पास्टर्स ने बोला कि सरकार परमिशन नहीं दे रही इस मीटिंग की, लेकिन लास्ट उन्होंने बताया कि कुछ भी मसला हल नहीं हो रहा। और हम बड़े अफसोस के साथ आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि वहाँ के पास्टर्स ने भी जो हमें बताया कि कई कारणों से ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत सी बड़ी बड़ी मीटिंग्स उस एरिया में भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के द्वारा करवाने जा रहे हैं। ये हमें अफसोस भी है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, नेगेटिव हमें कभी नहीं होना, पॉजिटिव ही रहना है। और परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ें इस मिनिस्ट्री के द्वारा करवा चुका है। हम आशा करते हैं कि इस मैसेज के द्वारा आप भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को कायम रखोगे और बढ़ते रहोगे। परमेश्वर आपके साथ हैं, बढ़ते रहो, बरकते पाओ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।